हमारे साथ जो है पीरपैंती के वर्तमान एमएलए ललन पासवान सर मौजूद हैं। सर से जानना चाहते हैं कि सर अपने क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किए हैं। सर आपका स्वागत है आरजे न्यूज में। अरे धन्यवाद। अरे देखिए, क्षेत्र के जो चिन्हित काम है जी, वो उस काम पर हम लोगों रूटीन बद्ध में तरीके से काम कर रहे हैं। एक साल तो कोरोना में बर्बाद हो गया जी। लेकिन जो सड़कें हैं, सड़कें की जो जाल बिछ गई है, ठीक है, रही मेन रोड की, भागलपुर से आपको जाने में दिक्कत होती होगी, पहले 6-7 घंटे लग जाते थे जी। अब अभी 4 लेन और एनएच का काम काफी तेजी से चल रहा है जी, जी। और अभी 1-2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप मुश्किल से 6 महीने के बाद जी। इतना तेजी से काम चल रहा है कि आप भागलपुर से पीरपैंती 30 मिनट में पहुंचने वाले, 40 मिनट में पहुंचने वाले, ऐसे इतने मैंने 4 लेन सड़कें बन रही है। आपको बता दें कि हमारे रीजन में ही पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे क्षेत्र का हुआ जी। और जब मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जब सर, मैं विधायक नहीं था, मेरे विधायक बनने से पहले तक जी, मेरे विधानसभा में मात्र 2 सब स्टेशन थे, कहलगांव में, एक पीरपैंती में जी। और आज समझिए 3 साल के कार्यकाल में, सरकार का धन्यवाद देते हैं, माननीय मंत्रीगण का भी धन्यवाद देते हैं, अभी 6-6 सब स्टेशन कार्यरत है, अब 4 नए सब स्टेशन लगे और 2 सब स्टेशन और, एक विक्रमशिला और एक जो है कि राजगांव में, 2 सब स्टेशन और काम चल रहा है, 8 सब स्टेशन है जी, जी। अब आप लोगों को 22-23-24 घंटे बिजली मिल रही है जी, जी। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे क्षेत्र में ग्रिड भी जो है ना अप्रूव्ड हो चुका, सरकार ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है, बस उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए वो काम चल रहा है कि अब 2 जगहों में से शिवनारायणपुर यानी तो बाराहाट इसीपुर के पहाड़ पर वो कहाँ पर लगाया जाए कि वो 33,000 का तार आए जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो आप समझ जाइए कि वो वहाँ ग्रिड भी लग जाएगा, वो लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आप जान लीजिए, इवेन जब ट्रांसफार्मर खराब होता था, लोगों को तेल बदलने के लिए लोग आपस में चंदा करते थे, आज ट्रांसफार्मर सुबह जलता है, शाम चेंज होता है, शाम जलते सुबह चेंज हो जाता है, कोई आंदोलन नहीं होता है। जान लीजिए कि बिजली के क्षेत्र में आज जो बिजली तब ऑक्सीजन का रूप ले चुका है, बिजली के बगैर कोई काम नहीं हो सकता जी, जी। ये सुधार हुआ है सर। एक चीज और मैं देखता हूँ कि आप समय समय पर स्कूल कॉलेज में जाके युवाओं को मोटिवेट करने का काम करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में बताते, हम जब विधायक नहीं थे 20 से पहले मात्र 4 इंटर स्तरीय स्कूल था हमारा जी। आज सरकार को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे विधानसभा के सभी पंचायत, सभी 4747 पंचायत में प्लस टू स्कूल हो गए। आप जानते प्लस टू स्कूल सभी पंचायतों में हो गया है मेरा। आज सब प्लस टू के लड़के लड़कियाँ अब प्लस टू की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई अपने ही पंचायत, अपने गांव, खास करके इसका फायदा सबसे ज्यादा छात्राओं को, बेटियों को हुआ है, मेरी बहनों को हुआ है, जो कि अपने गाँव में रह करके जो बाहर अभिभावक भेजना नहीं चाहते थे, उनको हमेशा सुरक्षा का भाव रहता था, तो उनको अब गाँव में ही वो इंटर की पढ़ाई कर लेगी। ये सबसे मैंने आपको खुशी की बात आपको इसके अलावा और भी आप बताए अब आपको प्रशासन के क्षेत्र में हमारा सुदूर देरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है कि कई वो हमारे मेरे विधानसभा को झारखंड का 5 विधानसभा टच करता है, लोग 2 लोकसभा टच करता है जी। लेकिन थोड़ा और वहाँ शराब तस्करी, ओवरलोडिंग, तरह तरह के देरा में फसल लूटने जैसी कई तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन हमने लगातार यहाँ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, सब कुछ किया। अब पीरपैंती एक प्रखंड था, लेकिन आप जान के खुशी होगी पिछले साल सरकार ने उसको मान्यता दे दी, सरकार ने अब पीरपैंती को पुलिस अनुमंडल हो गया हुआ, अब वहाँ पर SDPO की पोस्टिंग हो रही है। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले यहाँ सरकार से स्वीकृति मिली, पहले सरकार के पैनल में था कि भागलपुर में टाउन SSP है, वरीय पुलिस अधीक्षक है, फिर टाउन SP होते थे, लेकिन हमारा बहुत बड़ा मोर देन 80% इलाका हमारा क्या है जी? वो रूरल एरिया है, देहाती एरिया है, लेकिन रूरल SP नहीं थे, देहाती SP नहीं थे। 2 दिन पहले यहाँ सरकार से स्वीकृति मिली है कि अब जो है कि भागलपुर में देहात SP ग्रामीण की भी नियुक्ति वहां पर होगी और कांडों का निष्पादन समय पर हो पाएगा। आप जान लीजिए कि काफी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ नहीं रहने के कारण काफ़ी दिक्कत होती थी, अब SDPO वहाँ फिर पैतिम हो गया, अब 3-3 CT SP होंगे, SSP होंगे, SP रूरल होंगे, इतने पदाधिकारी हो रहे हैं जी, जी। इन सब चीज़ों से जो अपराध पर भी अंकुश लगेगा और जो कांड हो रहे हैं उस कांडों का भी निष्पादन समय पर होगा और लोगों को सौ समय न्याय मिल पाएगा। न्याय अगर लेट से मिले जी, ये
अपने आप में एक बहुत बड़ा अन्याय है, ये क्राइम है, ठीक है। जस्टिस में अगर डिले हो तो जस्टिस नहीं, वो क्राइम हो जाता है, जान जाइए। तो अब जस्टिस भी समय पर मिलेगा। सर, आने वाले समय में या अभी तक में आपके कार्यकाल में जो है, मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने युवाओं को रोजगार मिला होगा आपके सपोर्ट से? आप देख लीजिए, माने हमारे प्रेरणा स्रोत नेता से शर्मा हुसैन जी थे और वो अभी उद्योग विभाग से, जान लीजिए कि हजारों युवाओं को 10 लाख रुपये मिले, 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपये उनको लौटाना है। अगर SC/ST के युवा हैं तो, और महिला हैं किसी भी जाति की, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। बाकी जनरल लोगों को 1% इंटरेस्ट पर मिला है। इतना ही नहीं, आप जान जाइए कि अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बड़ा जटिल प्रक्रिया थी अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को, मुस्लिम समाज के युवाओं को लोन मिलने में। तो अब कोई उसका सर्विस होल्डर गारंटर हो, इनकम टैक्स पेयर गारंटर हो, तब लोन मिलता था, लेकिन कोई गारंटर बनना नहीं चाहता था। हमने सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने हाउस में संज्ञान लिया और उनके लिए भी वो कर दिया गया, 10 लाख रुपया लोन की व्यवस्था कर दी बिना गारंटर के, और 5 लाख रुपया माफ और 5 लाख रुपये 1% इंटरेस्ट पर। सर, तेजस्वी यादव जी ने जो है कहा है कि 17 महीने में मैंने जितना रोजगार दिया उतना 17 साल में आप लोगों ने नहीं दिया। क्या आगे आने वाले समय में आप लोगों को उन्होंने चैलेंज किया है कि आप हमारे चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? देखिए, हम एक चीज कहना चाहते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ डेमोक्रेसी है, सिर्फ डेमोक्रेसी को मत समझिए, ये इंडिया मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है, स्पेशली बिहार इज द लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ पार्लियामेंट ही डेमोक्रेसी है। पहले तो लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी कितने तरह का है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जो अमेरिका में है, मोनार्की डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में है, भूटान में है, लेकिन इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र है यहाँ। और संसदीय लोकतंत्र में जो है ना, जनता MLA चुनती है और MLA मिल करके CM चुनते हैं। संसदीय लोकतंत्र में वोटर को PM CM चुनने का पावर नहीं है, ये PM CM MLA MP तय करते हैं, ठीक है। और हम लोग CM को चुनते हैं, और जान जाइए कि सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में PM CM सब कुछ होल एंड सोल होता है, सुपर बॉस होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो CM के मर्जी के बगैर एक कोई कील भी नहीं ठोक सकता, ये पावर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझ नहीं रहा है लोग, या समझ के भी नहीं समझने कोशिश कर रहा है। जब तक मुख्यमंत्री जी का मर्जी नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री का, तब तक ये एक नौकरी क्या, ये कील नहीं ठोक सकता लोग। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम साथ रहे, हमारे सहयोग से ऐसा हुआ है, लेकिन ये किया तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, ठीक है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ही करेगा, दूसरे को कोई यहाँ पर है नहीं, ये अमेरिका नहीं है ये। आने वाले समय में, बचे समय में आप क्या और क्या सब करने वाले अपने क्षेत्र में? आज ही मैं खुशी की बात बता दूं कि आज हमारा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारे भागलपुर के कहलगांव के कैरिया पंचायत में कुआ नदी है और पीरपैती प्रखंड के राजगांव राजी पंचायत की मैनी नदी है, वो पानी बहते रहती है मार्च तक, वो नदी में पानी बहते रहती है और जाकर के वो बर्बाद गंगा में जाकर के मिलती है। और हम बहुत, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि वहाँ सुलिस गेट बने और पानी को थोड़ा हम रोक सके, वहाँ पानी को ठहरा सके। अब इसका फायदा, अब सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी है कि 1 महीने के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाकर हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे सदन में। और सदन में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मंत्री जी ने सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से मुझे धन्यवाद भी दिया है कि जनहित में इतने महत्वपूर्ण मुद्दा को उठाने के लिए मुफ्त में किसान, हजारों किसान को, हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, मुफ्त में मिल जाएगा। और जान जाइए कि जो लगातार जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जल संकट उत्पन्न हो रहा है, पानी पड़ा रहेगा तो अर्थ रिचार्ज भी होगा, उस इलाके का वाटर लेवल भी ऊपर होगा, और क्या किसानों को बरसात के दिनों में उस नदी से इस पार उस पार जाने में काफ़ी परेशानी होती है, जान चली जाती है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं शॉर्टकट के लिए, उस बरसात के दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती, पानी में बह जाते हैं। तो सुलिस गेट बन जाने से सुरक्षित इस पार से उस पार लोग जाना आना भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, रोजगार व्यवहार कर सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं। ये बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर पूरा हुआ है, और इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार का और माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, पूरे पीरपैंती की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। ये सब सारे काम हो रहे हैं
और जल्द ही आज हमने डिमांड किया है कि चूंकि अवेयरनेस फोर लेन का काम स्टार्ट हो जाए, मैंने काफी तेजी से चल रहा है जी। और पीरपैंती में जाकर के NH-80 फोर लेन और 133 NH-133 जाकर वहाँ मिलता है, जंक्शन पॉइंट है। अब अच्छी सड़कें बन जाएंगी, रफ्तार होगी गाड़ी, 100, 150, 125 की स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, तो इस एक्सीडेंट की भी संभावना है। और जिला से सुदूरी इलाका भी है। आज हमने सरकार से मांग किया है कि हम पीरपैंती में मैंने ट्रामा सेंटर युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द से जल्द बनवाएं, ताकि ऐसे परिस्थितियों का सामना हम कर सकें। तो उम्मीद है कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी, इस पर लगेगी बिल्कुल, और यही अभी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कार्य किया और आप युवाओं के लिए खास करके प्रेरणा स्रोत रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। बाकी RJ न्यूज जो भी देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और प्रयास कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।